जानते हैं माघ महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ते हैं और इस महीने हमें क्या चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सभी स्त्रियों को सभी पुरुषों को ध्यान देना होता है कि कुछ चीजें इस महीने में हमें त्याग करनी होती हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं और विशेष उपाय हम क्या करके पूरे माघ महीने के व्रत त्योहार का लाभ ले सकते हैं, आइए फटाफट से जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे पूरे माघ के महीने में कौन कौन से त्योहार पड़ने वाले हैं और किस किस डेट को पड़ने वाले हैं। तो माघ का महीना कब से शुरू हो रहा है, पहला तो यही प्रश्न है। तो माघ का महीना जो शुरू हो रहा है वो 26 जनवरी दिन शुक्रवार से, 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो 26 जनवरी दिन शुक्रवार वर्ष 2024 को माघ महीने का पहला दिन है। वैसे तो पौष मास की पूर्णिमा से ही स्नान और दान स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहला दिन है। दूसरा जो त्योहार पड़ रहा है इसमें पहला त्योहार माना जाएगा, ये है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान के लिए किया जाता है। सभी महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना से इस व्रत को निर्जला करती हैं। तो ये व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा और दिन है सोमवार का। तो इस दिन आप सकट चौथ तिल चौथ का व्रत करें। यदि व्रत की वीडियो चाहिए हमारे चैनल पर है तो आप जरूर देख सकते हैं। अगला त्योहार आता है षट तिला एकादशी। और दोस्तों, इस महीने विशेष बात यह है कि सभी त्योहारों में तिल की विशेष महत्वता है। पूरे माघ महीने आप तिल का दान अवश्य करें, लेकिन तिल आप खरीद नहीं सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही आपको एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो दी थी कि पौष के महीने में ही आपको तिल को खरीद कर रख लेना है। तो आप पूरे महीने हर त्योहार पर तिल का सेवन करें और तिल का दान करें। षट तिला एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा 6 फरवरी दिन मंगलवार को, तो आप षट तिला एकादशी का व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, तिल का अक्षत चढ़ाएं, अन्न का त्याग करके जल और फल पे रहकर भगवान विष्णु की पूजा और दान अवश्य करें। अगला त्योहार आता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या का पर्व 9 फरवरी को मनाया जाएगा दिन शुक्रवार को। इस दिन पवित्र नदियों में मौन रहकर स्नान करने की बात कही गई है और आप चाहें तो पूरे दिन मौन व्रत करें। ऐसा करने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप किसी पवित्र नदी में प्रयागराज संगम के तट पर यदि आप स्नान करते हैं और दान करते हैं, पूरे दिन मौन व्रत धारण करते हैं, तो आपको अश्वमेध यज्ञ के जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप 9 फरवरी दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या के दिन अवश्य दान पुण्य करें। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण भी आप कर सकते हैं। अगला त्योहार है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जिसे कि सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है, ये विद्या बुद्धि की देवी जो माँ सरस्वती है उनकी आराधना करने का विशेष दिन है, जो कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और इस बार वर्ष 2024 में ये पर्व मनाया जा रहा है 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी के दिन आप अपने घर में माता सरस्वती की आराधना करें, उन्हें पीले पुष्प पीले मीठे चावलों का भोग लगाएं और अपने घर में माता सरस्वती की मंत्रों का जप और पूजा आराधना जरूर करें। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है तो आप उसे देख सकते हैं। फिर आता है अचला सप्तमी, जिसे कि रथ सप्तमी या फिर सूर्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप सूर्य भगवान की आराधना पूरे माघ मास में नहीं कर पाए हैं तो इस दिन का व्रत करें और अचला सप्तमी पर विशेष चीजों का दान करके आप इस दिन सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने घर में सूर्य देव की पूजा करें, उगते हुए सूर्य को जल दें और सूर्य के मंत्रों का जप करें। तो अचला सप्तमी का पर्व बहुत ही विशेष माना जाता है। 7 फरवरी दिन सोमवार को वर्ष 2024 में अचला सप्तमी का व्रत किया जाएगा, तो आप इसका व्रत जरूर करें। तो अगला व्रत त्योहार है एकादशी, जो कि जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये हमें 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि जो 19 फरवरी को एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी है। तो दशमी युक्त एकादशी हम गृहस्थ मनुष्यों को नहीं धारण करना चाहिए, तो आप 20 फरवरी को एकादशी व्रत का चयन कर सकते हैं। और उसके बाद आती है त्रयोदशी, चतुर्दशी जो कि मासिक शिवरात्रि होती है, और फिर आती है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा का व्रत 24 फरवरी को किया जाएगा। तो आपने जाना कि पूरे माघ महीने में कौन कौन सी
से व्रत त्योहार किस तारीख को पढ़ रहे हैं और कब कब हमें ये व्रत करने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।